अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू किचन विद हरम। आज हम बना रहे हैं रवा केक। इसे बनाना बहुत आसान है, ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो चलें शुरू करते हैं। सूजी लिए हमने 1 कप, शुगर पाउडर लिए 3/4 कप, दही लिए 1/2 कप बगैर पानी के। इसका पानी हमने निकाल लिया, इसको छन्नी में डाल के रखा था, इसका पानी निकल गया है। कोकोनट लिया हमने 1/2 कप, ऑयल लिया 1/2 कप, अंडे लिए 2 अदद, वनीला एसेंस लेंगे 1 टेबल स्पून, बेकिंग पाउडर लेंगे 1/2 टेबल स्पून। पहले एक बाउल लेंगे, उसके अंदर अंडे डालेंगे, ऑयल डालेंगे। मैंने यहाँ पे घी लिया है, आप कुछ भी ले सकते हैं, ऑयल भी ले सकते हैं, घी भी ले सकते हैं। बीट करेंगे, इसे हमने तकरीबन 2 मिनट बीट किया। अब इसके अंदर शुगर पाउडर ऐड करेंगे, इसके अंदर हमने शुगर पाउडर ऐड किया, इसे बीट करेंगे। तकरीबन 3-4 मिनट तक हम बीट करेंगे। इसे हमने बीट कर लिया, अब इसमें हम दही डालेंगे, बेकिंग पाउडर डालेंगे, कोकोनट डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे थोड़ा सा। ये मिक्स हो गया है, अब इसमें सूजी डालेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। केक के लिए सांचा लेंगे, इसे हम ऑयल के साथ या घी के साथ ग्रीस कर लेंगे। इसे हमने अच्छे से ग्रीस कर लिया, अब इसके अंदर बटर पेपर रखेंगे और इसके अंदर अपना वो बैटर डालेंगे जो हमने तैयार किया था। ये बैटर हमने इसके अंदर डाल लिया है, इसे इक्वल कर लेंगे अच्छे तरह सारी जगह से। ये हमने इसे इक्वल कर लिया, अब हम इसे बेक करेंगे पतीले में। पतीले को हमने प्री हीट किया हुआ था तकरीबन 15-20 मिनट। इसके अंदर हमने नमक डाला था और जाली स्टैंड रखा था। अगर आपके पास जाली स्टैंड ना हो तो आप स्टील का कोई प्लेट भी, स्टील की प्लेट भी रख सकते हैं। अब इसे हम 40 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाएंगे। इसे अच्छे से ऊपर से कवर करेंगे, इसके ऊपर हम कोई कपड़ा भी डालेंगे ताकि इसकी जो एयर है वो बाहर ना निकले। हम कपड़े से अच्छी तरह ढाँप देंगे ताकि इसकी एयर बाहर ना आए। मिलते हैं 40 मिनट के बाद। चालीस मिनट हो चुके हैं, अब हम अपने केक को देखेंगे, उसके ऊपर से कपड़ा हटाएंगे, उसे खोलेंगे। ये देखिए बेक हो चुका है, ये सिर्फ साइडों से ही ब्राउन होगा, ऊपर से ब्राउन नहीं होगा। इसे हम टूथपिक की मदद से चेक कर लेंगे। ये देखें, ये बिल्कुल सही बेक हो चुका है। इसे हम निकालेंगे, उसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, चीनी लिए हमने 1/2 कप, पानी लिया 1/2 कप, रोज़ वाटर लिया 2 टेबल स्पून और लेमन जूस लेंगे 1 टेबल स्पून। पैन लेंगे, उसके अंदर हम पानी डालेंगे, उसके बाद चीनी डालेंगे और इसे पकाएंगे चीनी के मेल्ट होने तक। चीनी जो है वो मेल्ट हो चुकी है, अब इसके अंदर हम रोज वाटर डालेंगे। और इसे 1 मिनट मजीद पकाएंगे। चूल्हे को बंद करेंगे और लेमन जूस ऐड करेंगे इसके अंदर। पकाते वक्त लेमन जूस इसके अंदर ऐड नहीं करना, वरना ये सीरम जो है वो कड़वा हो जाएगा।
जल्दी से ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, तब तक हमारा केक भी रेडी हो जाएगा, फिर आगे बताएंगे क्या करना। जो सीरम हमने तैयार किया था वो डालेंगे इसके ऊपर हम। थोड़े से कोकोनट डालेंगे इसके ऊपर, कटे हुए बादाम डालेंगे, आप चाहे तो पिस्ते भी डाल सकते हैं। अभी इसे 5 से 10 मिनट ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, फिर इसे हम काटेंगे। केक जो है वो ठंडा हो चुका है, अब इसे हम काटेंगे। इसे छुरी की मदद से किनारों से भी अलहदा कर लेंगे ताकि इजीली निकल आए। ये देखिए हमारा केक बिल्कुल तैयार है और ये कितना अच्छा लग रहा है और ये बहुत ही सॉफ्ट बना है। ये देखें, ये बहुत ही सॉफ्ट है, ये देखें, और ये बहुत ही मज़ेदार भी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स के अपनी राय के बारे में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इससे यह होगा कि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो जो है सबसे पहले देखने को मिलेगी।